दोस्तों, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स में से एक हैं। उनके पास अरबों की दौलत है। उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही शाही है। वो करोड़ों के घर एंटीलिया में रहते हैं। उनके 27 मंजिला घर में लगभग 600 नौकर काम करते हैं। उन्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने ड्राइवर से ही पैसे उधार लेने पड़े थे। मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वो कहीं जा रहे थे, तभी कुछ गरीब बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। तब उनकी जेब में खुले पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने अपने ड्राइवर से पैसे उधार लेकर उन गरीब बच्चों को दिए थे। मुकेश ने यह भी बताया कि वो जेब में बहुत कम पैसे लेकर चलते हैं। मुकेश अंबानी दान धर्म में भी बहुत यकीन रखते हैं। वो विनम्र और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। यही चीज उनको बाकी अरबपतियों से अलग बनाती है। वो अपने ड्राइवर को 2 लाख रुपए महीने की सैलरी देते हैं, साथ ही इंश्योरेंस और एजुकेशन अलाउंस भी देते हैं। ड्राइवर बनने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। आपको बताते चले कि मुकेश अंबानी के पास कई लग्जरी कारें हैं, जिनमें से कुछ की कीमत तो करोड़ों में है। हाल ही में मुकेश अंबानी भारत की सबसे महंगी कार को खरीदने को लेकर चर्चा में आए थे। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपने ड्राइवर से पैसे उधार लेकर गरीब बच्चों को दान दिया। तो उनके इस दिलियादिली के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। We'll be right back.